वाह क्या बात है, बहुत बड़े से एक तबाक के अंदर भाई साहब जबरदस्त है। इंडोनेशियन चिकन है, सी फूड हमारा खुराफा है, ये आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको। यस कोफ्ता कह रहे हैं, हालांकि हम इसको कबाब कहते हैं। बता दूं कि क्या क्या चीजें हैं, मैं जलाने वाली खुशबू है, कुछ स्प्रे करने वाली खुशबू है, कुछ लगाने वाली खुशबू है, कुछ मलने वाली खुशबू है, हमारी 60 रियाल से। भाई ये तरीका आज पहली बार सीख रहा हूँ मैं। इतने लगाते कैसे, परफ्यूम को स्प्रे कैसे करते, भाई ये सब चीजें भी सीखने की होती है। غالبا الناس يجون بعد الصلوات मैं इस वक्त मदीना में मस्जिद नबवी के बाहर हूँ और मेरा ये इरादा था कि मैं इस सफ़र में यानी मक्का और मदीना के सफ़र में कैमरा नहीं खोलूँगा, लेकिन आपके इरादे बदल जाते हैं, आपकी प्लानिंग्स चेंज हो जाती हैं, दो ऐसी अनोखी चीज़ें नज़र आएँ कि हमें लगा कि कैमरा ना खोलने का ये रोज़ा तोड़ लेना चाहिए। मदीने का सबसे कीमती बफे आपको कहाँ खाने को मिलेगा और उसमें क्या खाने को मिलेगा वो देखेंगे, और उसके बाद जो मदीने की सबसे कीमती चीज़ है, जब यहाँ की गलियों से और मस्जिद के गिर्दोनवा से आप गुजरते हैं तो आपको बड़ी खुशबुएं हर सांस के साथ महसूस होती है। इंसान ये चाहता है कि इन खुशबुओं को कैद करके किसी तरह से अपने साथ ले जाए। किसी हद तक अगर मैं कहूँ कि आपको वो खुशबुएं जो मदीने की फ़ज़ा में मिलती हैं एक जगह मरकूज़ होकर आपको हासिल हो सकती हैं, वो दुकान भी दिखाऊँगा। सबसे पहले खाते हैं मदीने का सबसे कीमती बफे, मस्जिद नबवी के गेट नंबर 339 यानी गेट नंबर 339 के बाहर मैं खड़ा हूँ। निकलते ही आपको नज़र आएगा मदीने का सबसे पुराना 5-स्टार होटल, होटल ओबराय मदीना। सबसे पहले यहाँ का कीमती बफे और उसके बाद यहाँ वो कीमती खुशबुएं जो कीमती तो हैं लेकिन महंगी नहीं है। चलिए मुझे बहुत खूबसूरत सा माहौल, बड़ा प्यारा सा रेस्टोरेंट, 260 रियाल का बफे है एक आदमी के लिए। इस 260 रियाल के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है आगे चलते देखते हैं। इस मंदी अच्छा जी, तो ये लैम मंदी है, क्या बात है, बहुत बड़े से एक तबाक के अंदर। शेफ हमें बताएंगे, व्हाट्स योर नेम? I'm a chef, executive chef, Abdul Aziz, not the head chef of the... Abdul Aziz? Yes, I'm American Moroccan. This is our, like, you know, fresh fish, fried fish fillet. तो ये बारबेक्यू का मिक्स जो है ये भाई साहब जबरदस्त है, इसके लिए क्या कहिए, बस इसको तो उठाइए और जबान पर रख लीजिए, सेंसर सारे काम करेंगे एक साथ जबान के। This is an Indonesian, like, you know, chicken dish. यहाँ पर इंडोनेशियन शेफ भी हैं। And a quails. क्या मसाला? बटेर। अब अगर आपको मदीना में बटेर खाने को मिल जाए तो इससे ज़्यादा हैरान कुन और खूबसूरत बात नहीं हो सकती। आगे चलते हैं, बहुत खूबसूरत सी बिरयानी की एक डिश इन्होंने खोली है। This is our lamb biryani. क्या बात है, लैम बिरयानी, इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने उसको सजा रखा है, ये कमाल है यार। और यहाँ इतनी अनगिनत चीज़ें हैं, हमारी ऑल टाइम फेवरेट दाल ओबराय मदीना में है, बेहतरीन किस्म का एक रेस्टोरेंट है, अरबियन वेजिटेबल, इजिप्शियन राइस, या दिस इज द मोरक्कन कोफ्ता, कोफ्ता इट्स ऑलरेडी मदीना डिश, मदीना फूड, इट्स अ गरीश, गरीश, यस गरीश, इट्स अ व्हीट एंड अ स्लो कुक्ड व्हीट फॉर लाइक यू नो प्रीटी मच लाइक एन आवर प्लस। कह रहे हैं कि धीमी आंच पे बहुत देर तक चिकन को पकाते हैं, उसके बाद इनकी कुछ हर्ब्स हैं वो डालते हैं ऊपर, इसमें बरिस्ता भी मुझे नजर आ रही है। यहाँ आ गया साहब, दिस इज अ रोस्टेड पोटैटो, वाह भाई। और उसके बाद शेफ दिखाए चले जा रहे हैं, हम देखे चले जा रहे हैं, दिस इज स्टफ्ड चिकन। यहाँ पर आ गया, दिस आवर सी फूड ग्राटिन, अच्छा सी फूड आ गया, लाइक यू नो श्रिंप। अच्छा जी, तो बड़ी खूबसूरत सी प्लेट इन्होंने भाई साहब ने बनाई है, इनको पता भी नहीं है हमने इनकी प्लेट का जो शॉट लिया है, कहाँ कहाँ लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं नीचे, पिज्जा ब्रेड। दुनिया के एक बहुत मशहूर 5-स्टार होटल का बफे है, बस समझ लीजिए कि जो खुशबू है हमें इस वक्त आ रही है वो हम आपको यूं पहुंचा नहीं सकते, लेकिन कोशिश ये है कि उनको अल्फाज में ढालें। फिलहाल हम शुरू करते हैं टेबल बैठकर इस पूरे खाने के साथ एक टेबल वाली मुलाकात, और उसको आपको साथ लाइव शेयर करते हैं। इस पूरी मुलाकात में साथ रहिए। मंदी
मंदी है, लैम मंदी है, ये इनका कुछ बारबेक्यू में आइटम्स थे वो हमने लिए हैं, एक इंडोनेशियन चिकन था वो थोड़ा सा स्पाइसी ये बता रहे हैं वो है, ये फ्राइड फिश है, ये कोफ्ते जो हैं, ये कोफ्ते देखने में बाहर कोफ्ते हैं, ये अंदर से क्या है एक बार जबान के सेंसर पे जब रखा जाएगा तो पता चल जाएगा। ये हमारे प्लेन राइस आ गए, गैरिश कहते हैं सऊदी अरब में, घरों में बनता है, लैम बिरयानी आ गई, यहाँ पर है हमारे पास ये बटेर। तो ये जो बारबेक्यू में इनका चिकन था, जरा इससे मुलाकात करते हैं कि भाई तुम इतनी देर से इस प्लेट में हो, कुछ तो हमसे कहो, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसी के साथ बहुत जूसी, एक सौंधा सौंधा नमकीन सा टेस्ट, मुर्गे की आवाज़ें, एक हल्का सा नमक, कोई मसाला नहीं, बहुत स्मूथ, बहुत ना, बड़ी कला का काम होता है। तो ये बहुत गर्म गर्म भी होगा मेरे ख्याल में, बहुत खुशबूदार है, इसमें देसी घी का फील आ रहा है मुझे, बिस्मिल्लाह करते हैं। वो ख़ास बटर पड़ा हुआ है, जो बटर आपको मैंने कभी इस्तांबुल में सफ़ा की एक बकलावा फैक्ट्री में आपको दिखाया था, उसकी खुशबू मुझे आ रही है साफ साफ इसमें जाकर। ये कमाल है, बयान से बाहर है, न जबान कुछ बोल सके न जहन कुछ सोच सके, सांसों में खुशबू, जबान पे जायका, स्मूथनेस, हल्की सी मिठास, घी, थोड़ा बटर, इसमें बहुत कुछ है, ये बहुत ज़बरदस्त, ये कमाल है। इस कुनाफे को भी मैं आपसे जीने की इजाज़त मांगूंगा क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त। टर्की में भी इतना मज़ेदार कुनाफा नहीं खाया मैंने, वहाँ भी इतना अच्छा कुनाफा नहीं खाया, ये तो कमाल है, कहीं नहीं मिलेगा वहाँ कहीं। फाइव स्टार के इस कीमती से बफे के बाद अब बारी आती है हमारी उस चीज़ की जो हमने आपसे शुरू में कहा था, हम आपको ऐसी कीमती खुशबुएं दिखाएंगे जो कीमती तो हैं लेकिन महंगी नहीं। जनाब जैसे ही आप 339 से एंटर होते हैं इस सबसे पुराने फाइव स्टार के अंदर, आपको सबसे पहले जो दुकान नज़र आएगी अहमद परफ्यूम्स की नज़र आएगी। वो ऐसा मरकज़ है कि आपने इस पूरे एरिया में जो खुशबुएं अपनी सांसों में उतारी हैं वो एक जगह आपको यहाँ मिल जाएंगी। आइए, बात यह है कि मैं इनकी खुशबुओं का जायका एक बार चख कर जा चुका हूँ, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें इनकी देखी थी तो मुझे लगा कैमरा खोलना चाहिए। साद, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? खुशबुएं बिखेर रहे हैं, क्या बात है, आपका बड़ा अच्छा काम है भाई, खुशबुएं बेचना, खुशबुएं लगाना और खुशबुएं लोगों तक पहुंचाना बड़ी अच्छी बात है। इनके यहाँ बहुत सारी रेंज है बहुत सारी, लेकिन है सारी अफोर्डेबल, तो देखेंगे बड़ी तफसील से। साथ हमें आप टाइम देंगे या अभी बिजी हैं? नहीं, इंशाल्लाह मैं फारिग हूं। स्टार्टिंग रेंज क्या है और वो कहाँ तक जाती है? इत्रों के अलावा भी बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें जो आपको जरूर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, जैसे कुछ जलाने वाली खुशबुएं हैं, कुछ स्प्रे करने वाली खुशबू है, कुछ लगाने वाली खुशबू है, कुछ मलने वाली खुशबू, ऐसा ही जी। सबसे पहले ये बता दीजिए जी, ब्रांड कहाँ का है ये? असल में ब्रांड जो है वो यूएई का है, दुबई का ब्रांड है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर खलीज हमारे 170 आउटलेट्स, 170 क्रॉस अल्हम्दुलिल्लाह 170। यार कोई बात तो है ना, हमारी नाक ने इन खुशबुओं को सूंघ के कहा कि भाई कैमरा खोल लो, तो कोई बात तो होगी। दुबई का ब्रांड है, मदीना में छा चुका, बिस्मिल्लाह करो। शुरुआत जो है वो हमारी 60 रियाल से, तो जेंट्स के एतबार से ये हो गया उद क्लासिक, उद क्लासिक थोड़ी उदी फ्रेग्रेंस है और हर क्लाइमेट में ये सूट हो जाता है। हाँ, ये भी बड़ा मसला है, ठंड में क्या खुशबू आपको सूट करेगी, गर्मी में क्या? सही, सिग्नेचर परफ्यूम की बात करोगे, हाँ। जो एक ब्रांड जिससे मशहूर होता है, उसमें हमारा एक है उद रोज और एक उद लवेंडर। लास्ट टाइम क्या रहती है ईमानदारी से बंदा? तकरीबन 10 घंटे के ऊपर ही रहती है। देखिए, अगर कोई सच्चाई से ये कह रहा है कि 10 घंटे से ज्यादा रहती है तो समझ लीजिए इतनी रहेगी, क्योंकि लोग 24-36 घंटे का दावा करते हैं। उसमें क्या होता है कि कभी कभार आपके बॉडी टेम्परेचर पे भी डिपेंड, जितना आप गर्मी में जाओगे इस तरह अलग होगा। देखिए ये चीज़ जो है ना, ये माहिर ही बता सकता है। खुद क्लासिक ओके लगी,
इसके आगे चले सर। उसके बाद अगर आप सिग्नेचर परफ्यूम की तरफ जाओगे तो हमारा एक ये है उदगुस। मगर ये देखें ये 60 रियाल में है कितना इसमें? इसमें है 50 ml। ये बड़ी ऐसी देखिए क्योंकि मेरा ट्रैवल ज्यादा रहता है तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि ये बड़ी यू नो कॉम्पैक्ट सी बॉटल है, आप कहीं कैरी करके ले जा सकते। उसके बाद ये है हमारा सिग्नेचर परफ्यूम। अच्छा जी ये आ गया ऊद एंड रोजेस। क्या बात है यार, ये बॉटल्स बड़ी खूबसूरत है। देखिए जैसा प्रोडक्ट वैसी उसकी अपीयरेंस होनी बहुत जरूरी, बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा हल्का सा गुलाब जी, ये एक ऊद और रोजेस की फ्रेग्रेंस है। ना ज्यादा ऊद है ना ज्यादा रोजेस है, मतलब एकदम बीच की जो है उसकी फ्रेग्रेंस। ये कितने का? ये है 150 रियाल का, 60 ml। ठेठ अरबी खुशबू जी, अरबी जो अरब ठेठ अरबी खुशबू पूरा मलबूस, एक आइकॉनिक अरब गुजरता हुआ नजर आता है, उसके पीछे जो खुशबू चलती जाती है। अब उसकी बारी दिखाइए सर। वो है बिन शेख। बिन शेख जी बड़ी डीप बड़ी गहरी, जब भी कभी मदीना आए या फिर इस वक्त भी कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं सिर्फ एक सरसरी तौर पर देखने आया था, मुझे यहाँ की खुशबू पसंद आई, इसका मैं खुद स्प्रे करूंगा। खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है, दूर से करते हैं। जो ऊद है ना, आपको एक बार इसकी आदत पड़ गई तो आपको कोई परफ्यूम कोई खुशबू अच्छी भी नहीं, ऐसा ही है। सही बात है, ये अरब का ट्रेडिशन, पूरे अरब की ये खास खुशबू होती है, अरब ऊद के लिए दीवाने रहते हैं। अच्छा अभी तक हम सिर्फ स्प्रेस देख रहे हैं, अभी इनके हम इधर भी देखेंगे। तो ऐसा कुछ दिखाइए जो जो मर्द कहे भाई ये तो जनानी खुशबू हम नहीं लगाएंगे, और लेडीज कहें ये खुशबू बनी हमारे लिए। अभी आप इसी शक्ल से आप समझ सकते हो कि इस बॉटल की शक्ल में ही निजवानियत है, यानी फेमिनिटी है, जहाँ जनाना खुशबुओं की बात आती है। स्वीट और साइड से चलिए जी। क्या बात, बहुत बहुत बाकायदगी से इस खुशबू में एक फेमिनिटी है, औरतियत है, निस्वानियत है। जायते हमने हमेशा बहुत चखे, आज ये खुशबूएं जो है आप तक पहुंचानी मुझे लगा कि जरूरी है। तो इसकी क्या कीमत होगी? इसकी है 100 रियाल और क्वांटिटी वाइज है ये 75 है। देखिए इसी का ना ये ओपेक वर्जन है, ये ट्रांसपेरेंट बोतल है। तुमने बोतलों पर बहुत काम किया हुआ है साथ, जबरदस्त है यार, इसको भी जरा चेक करें। और ये कितने की ये भी बता? ये है 145 रियाल की, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो रोजेस वाली फ्रेग्रेंस है। और मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी, ये बाकी में बहुत जरूरत है, वो बेस्ट सेलर भी है। अच्छा अब थोड़ा सा हम स्प्रे को बदल देते हैं इतर आज। बहुत से लोगों को शौक होता है मुझे अल्कोहलिक खुशबू नहीं लगानी, मुझे इतर ही लगाना है, उनकी जरूरत के लिए क्या है? इसमें जो है वो अभी हमारे ये 3 न्यू लॉन्चेस है, ये है रौदा मदीना है, ये किसवा है अदर किसवा, और ये हजरे अस्वद के नाम से जी। ये अभी लास्ट 3 न्यू लॉन्चेस है और बेस्ट सेलर भी है हमारे। देखोगे तो ये एक मदीना से निस्बत रखता हुआ एक रौदा है, और एक काबे से थोड़ा निस्बत रखता हुआ किसवा है, और ये हजरत अस्वद से निस्बत रखता हुआ एक हजरे अस्वद। बहुत सही, आपने बड़ा कंट्रोल्ड लफ्ज इस्तेमाल किया है कि निस्बत रखता हुआ, इसमें ऐसा कोई दावा नहीं है कि ये खुशबू सेम वो मिलेगी आपको। किसवा कहते हैं गिलाफे काबा को, यानी कावे के ऊपर जो कपड़े का गिलाफ चढ़ाया जाता है उसको किसवा कहते हैं। इसके आसपास एक पर्टिकुलर खुशबू आती है, वो खुशबू इस जैसी होती है। बहुत बस मैं अब ये कहने वाला हूँ कि भाई यहाँ से नशे शुरू हो गए हैं, हमने खाने के नशे आपको हमेशा दिखाए, आज खुशबुओं के भी नशे आप देखिए। रौदा मुबारक के आसपास जो आपको एक फजा में जो खुशबू महसूस होगी वहाँ बखूर जलाई जाती है, वो इसकी थोड़ी थोड़ी इसकी रिजेम्बलेंस इसमें आपको मिलेगी। भाई इसकी कीमत क्या है? ये अगर आप सिंगल पीस लोगे तो वो है 200 का, और अगर आप इसका 3 का सेट लोगे तो उसपे एक खुसूसी डिस्काउंट है जो है 20%। इसका एक पीस किसवा का, एक पीस और अस्वद का, मतलब ये पैकेज इसी तरह आपको लेना पड़ेगा कि तीनों में से एक एक आपको खुशबू लेनी होगी तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। असल में मैं जो इस वक्त सूंघ रहा हूँ ना वो हाई इंटेंसिटी में खुशबू आ रही है, जब इसको आप थोड़ा सा लगाएंगे और फिर जो फजा में हवा में आपको आपके आसपास जो खुशबू महकेगी, वाकई में इनके नाम सही रखे हैं इन्होंने, वो उसी के नाम से ही बकूर है, सबसे पहला बकूर और सबसे मशहूर बकूर है। आपने अपने साथ अभी अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, हम जब तक ये देखते हैं मैं कह रहा था कि बकूर क्या होता है मैं आपको बताऊं। आपने अमूमन यहाँ पर देखा होगा कि एक खूबसूरत से एक मबखरे में, उसको मबखरा कहते हैं, उसके अंदर से धुआं निकलता है। धुआं क्यों निकलता है? बकूर जल रही होती है। ये इस तरह की टिकिया होती है, इसको तोड़ तोड़ कर उस कॉइल पर रखते रहते हैं, उसमें जलती रहती है। अभी हम जलाकर भी देखेंगे, मैं बखूर ले गया था लेकिन मुझे जलाना नहीं आती सही से। मैं आपसे पूरा प्रोसेस सीखूंगा। इतने लगाते कैसे परफ्यूम को स्प्रे कैसे करते हैं भाई? ये सब चीजें भी सीखने की होती है, ये सीखनी चाहिए आपको, मुझे भी सीखनी है। इसके अंदर जो है वो पीसेस 40 पीसेस है और टिकिया जो है जी टिकिया, इसको पाउडर फॉर्म में नहीं करना, अगर पाउडर करोगे तो जल्दी जल के खत्म हो जाएगा।
बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। घर में जो अक्सर यहाँ के अरब लोग यूज करते हैं। अच्छा, मजालिसों में जो यूज करते हैं, मजलिस में अहम खुशबू है। कितने की है ये? है 115 रियाल की। ये न्यू लॉन्च है भाई। कुछ ना कुछ बखूर मुझे इनसे लेकर बखूरात मुझे इनसे लेकर जानी है। आप क्या सबसे महंगी कौन सी है? हमारे पास सबसे महंगी है उद फिलिपिन पीएच। 138,000 रियाल पर केजी जी, किलो की प्राइस। भाई इस 138,000 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर आपको रुपीज निकालने हैं तो। सर हाथ लगा लूं? अच्छा, ये बगैर जले खुशबू नहीं देती? नहीं। ये है साहब 138,000 रियाल किलो। किलो तो मेरे ख्याल में ये 100-150 रियाल की ले जाता होगा। कोई आती नहीं है, तोले के हिसाब से ज्यादा जाता है ये। भाई साहब सोने से महंगी कोई चीज देखनी है तो देख लीजिए, ये ऊद की लकड़ी है, ये मदीना में है, ये अहमद परफ्यूम्स पे है, ये मस्जिद नबवी के गेट नंबर 339 के सामने है और इस वक्त हमारे हाथ में। साथ ये आपने बड़ी कीमती चीज दिखाई, अगर हमारा नसीब जागा तो हम इसको एक बार जलवा के खुशबू सुंदर देखेंगे सोने से महंगी। बड़ी खूबसूरत अलमारी है तुम्हारी। आपसे सबसे महंगा इत्र दहनलूद, जो अरब अक्सर यूज करते हैं, प्योर ऊद जिसको बोलते हैं, रहता है जैसे अंबर हो गया, मस्क हो गया, ऊद हो गया। श्योर। और एक जो आप ये देख रहे हो ऊपर की, ये तीन चीजें, हाँ हाँ, ये है प्योर ऊद दहनलूद। मतलब ये क्या खासियत होती है? प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस से जो ऑयल निकलता है वो ये ऊद। हमारे पास जो शुरुआत है वो है 80 रियाल की। चिपचिपाहट है? हाँ, मतलब गाढ़ा प्योर है जी, प्योर चिपचिपाहट, बड़ा बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा है, बहुत तेज खुशबू है। मेरे ख्याल में यह अरब जिस चीज के दीवाने हैं, ये वही दहनलूद है। लकड़ी को प्रोसेस करके जो भी 138,000, 145,000, 120,000 मुख्तलिफ कीमतों की लकड़ियां जो होती हैं ऊद की, उसका तेल निकाला जाता है, इस शीशे में भर लिया जाता है और फिर जो इसके असल कदरदान हैं वो आके इसको ले जाते हैं। अच्छा, ये बनते कहाँ हैं सारे आपके? ये हमारा पूरा सब पूरा सामान जो है वो यूएई से ही बन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका? जी, हमारा खुद का है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये जानना ज़रूरी था क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम यहाँ पर आके आप तक पहुँचा रहे हैं तो उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। भाई एक हल्का सा देख लो इसको हाथ जी, जरूर। इसमें जो है वो ऊद लगाने का तरीका भी पता होना चाहिए यार, आप बताओ। प्योर ऊद सर, लोग जो है ना ये जैसे अभी ये महंगा भी होता है हाँ। तो ज्यादा लगा के भी वही चीज होती है, थोड़ा लगा के भी वही चीज। क्या बात है यार। और इसका असल जो तरीका है ना, लगा दिए, अब इसको क्या करूं? इसको दोनों तरफ से रब कीजिए और इसको अपने कानों के पीछे लगाइए। ऐसा है? अब इसको अपने कानों के पीछे लगाइए। भाई ये तरीका आज पहली बार सीख रहा हूँ मैं। जब कोई आपसे मुलाकात करेगा ओ, तो उसको असल चीज महसूस हो। ये कमाल है भाई, परफ्यूम भी स्प्रे करना अभी सीखेंगे आप। शुरुआत 80 रियाल से है, फिर तोला 5,000 का भी है जो ये नहीं मानेंगे भाई, इनके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। जब भी आप मदीना में हो दुकान पर आ जाइए अहमद परफ्यूम्स की, आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। बहुत नर्म मिजाज दुकानदार मिलेंगे, बड़े अच्छी खुशबुएं मिलेंगी। एक चीज़ इनसे सीखनी थी कि भाई परफ्यूम कैसे लगाया जाता है हमें बताइए, और बखूर कैसे जलाई जाती है। सही तो बताएं सर। मैं एक दो तरीका है, अगर आप जो है ना वो करीब से इसको मारोगे ना तो अक्सर कस्टमर बोलता है कि इस पर दाग आता है। तो उसका तरीका ये है कि जितना आप दूर से मारोगे ना तो जो उसका अल्कोहल चीज़ है ना वो उड़ जाएगा और जो उसका ऑयल बेस है वो कपड़ों पे रहेगा। टेक्निक है, हर चीज़ में टेक्निक है। थोड़ा दूर से ऐसे करना, मतलब एटलीस्ट इतना हो हाँ, और उसको थोड़ा एकदम हल्के से दबाओगे तो वो एकदम लाइन छोड़ेगा जी। या तो सीखने की चीज़ें हैं ये सब, और ये माहिरीन से ही सीखा जा सकता है। इस वक्त हम इंतहाई माहिर के साथ खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच यार, एक बार बखूर जला के भी दिखा दो। जी, जरूर, बखूर जरूर। कैसे जलाते हैं, हम बहुत साल से यूज कर रहे हैं लेकिन हमें जलानी नहीं आता। पहले कोयला लिया? एक तो कोयला ले लिया पहले, ठीक है जी। फिर उसके बाद अच्छा, हमारे अक्सर घरों में गैस होते हैं तो उस पर भी रख के कर सकते हैं, या तो अगर किसी के पास लाइटर है। यहाँ तक तो हम ठीक है, हम गैस पे रखते जला। जो ये स्पार्क खत्म हो जाएगी हाँ, हाँ, उसके बाद डालना है। जब ये चटर मटर बोलता रहे उस टाइम तक इसको बोलने दीजिए, जब ये खामोश हो जाए तो इससे कहिए अब आपको हम बखूर दे रहे हैं, अब आप इसका कुछ हमें करके दीजिए। बिस्मिल्लाह। अच्छा ये देखिए, ये जैसा मैंने आपको जब भी बताया था कि ये टिकलिया हाँ, होती है, ये इतना सा पीस जो है वो घर के लिए काफी हो जाता है। एहतियात से रखना है कि उंगली ना उंगलियां।
نفتح غالبا بعد الصلوات، سواء صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، أي موجود احنا نفتحها على طول بعد صلاة غالبا الناس يجون بعد الصلوات، لكن أكثر حاجة يعني بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء. People usually come after Salah, especially after العشاء Salah. The shop start and open after Fajr prayer until 12 AM. very بہت لمبی چوڑی timing ہے. Thank you so much. Welcome. ہماری مسجد نبوی کے پاس جو ہے نا وہ total 4 outlets. ایک جو ہے 339 پہ ہے جو اوبرائی کی ہے جس میں ہم کھڑے ہیں جی ہم جس میں ابھی ہے. اس کے بعد ایک دارت تقوا ہے جو 338 کے پاس. پھر اس کے بعد ایک بن داؤد کے بازو میں طیبہ سوٹس کر کے ہے اسی کے پاس ہے کہ اور ایک مسجد غمامہ کے بیک سائڈ پہ اس کا بھی نام طیبہ غمامہ ہے. یہ مسجد نبوی کے پاس مسجد قبا کے بالکل سامنے ہماری ایک چھوٹی سی دکان ہے. چار یہاں ہیں پانچویں وہاں ہوگی. یہ مدینہ کے حرم کے اطراف ہوگا. اوور آل مدینہ میں ٹوٹل 10 دکانیں ہیں. صحیح مطلب حاجیوں کو جو واسطہ پڑے گا وہ حرم کے آس پاس. خوشبوؤں کے اس پورے سمجھ لیجیے کہ سمندر میں ہم آئے، ہم نے ڈبکی لگائی تو ظاہر ہے ہم سوکھے واپس تو نکل نہیں سکتے تھے. ہم نے کچھ پرفیومز لیے ہیں، کچھ عطر لیے ہیں. یہ بڑی اچھی خوشبو ہے ان کی. میں نے یہ اپنے بیٹے کے لیے لی ہے. یہ فیمیل خوشبو جو میں آپ کو بتا رہا تھا بہت زبردست خوشبو ہے. یہ میں خریدنے سے رک نہیں پایا. نوئر اس کا نام ہے. میں نے اپنی اہلیہ کے لیے لی ہے، ایک یہ عطر لیا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں یہاں کی یاد دلاتی رہیں گی، مدینے کی یاد دلاتی رہیں گی، اور ان یادوں کے ساتھ جب تک ہم یہاں نہیں آتے جئیں گے. ہم نے اس چینل پہ ہمیشہ آپ کو ذائقوں کی خوشبوئیں پہنچائیں. آج خوشبوؤں کے ذائقے کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں ختم کرتے ہیں. اور یہاں خاص بات یہ کہ جب بھی کبھی پورے سعودی عرب میں احمد پرفیومز کے کسی بھی آؤٹ لیٹ پر جائیں تو گلوبل سینٹر کا ریفرنس دینے کے بعد 10% ڈسکاؤنٹ لینا مت بھولیے گا. یہ بہت خوبصورت ہے، آپ ضرور آئیے، اور جب بھی آئیں یہ خوبصورت انسان یہاں کھڑا ہوا ملے گا آپ کو، مسکراتا ہوا ملے گا. اور آپ جتنی دیر ان کا دماغ کھانا چاہیں کھائیے، آپ کو اپنی مرضی کی خوشبو مل جائے گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم. تو مدینہ کی ان خوبصورت خوشبوؤں کو اپنے ساتھ بٹور کر کوشش کریے کہ میں گھر لے جاؤں احمد پرفیومز کے اس کیری بیگ کے اندر، تاکہ جب تک میں دوبارہ مدینہ آتا ہوں ان خوشبوؤں کے ذریعے سے مجھے مدینہ کی یادیں تازہ محسوس ہوں. تو احمد پرفیومز کے ساتھ، ان خوشبوؤں کے ساتھ مجھے یعنی محمد یحییٰ کو مدینہ سے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.